तो गाइस फाइनली हमें पोकेमोन स्वर्ड एंड शील्ड का सेकंड ट्रेलर देखने के लिए मिल गया है। और हाँ, मुझे पता है कि मैं लेट हूँ, लेकिन यार हम इसमें बात करेंगे न्यू एवोल्यूशन के बारे में, और इसमें आर्मर एवोल्यूशन है या नहीं इस बारे में भी, और कुछ न्यू पोकेमोन्स के बारे में और न्यू लेजेंडरी पोकेमोन्स के बारे में। तो अब टाइम को वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेलर के स्टार्ट में ही हमें हमारा न्यू राइवल दिखाया जाता है, और इसके पास जो पोकेमोन है वो है सोबल, जो कि यार ये मुझे तो यही लगता है कि एस सोबल को नहीं लेगा, क्योंकि यार एस का राइवल ले सकता है शायद सोबल को। और यार एनिमे में देखेंगे कि एनिमे में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि यार एनिमे में तो कुछ भी हो सकता है। तो बस ये तो मेरी राय थी, जो कि यार मुझे तो यही लगता है, और बाकी अब हम एनिमे में देखेंगे। तो यार आगे, इससे आगे हमें हमारे न्यू प्रोफेसर दिखाए जाते हैं, और एक न्यू एनिमेशन पोकेमोन पकड़ की, और उसी में ही हमें एक न्यू पोकेमोन दिखाए जाते हैं जो कि यार काफी अच्छे तो लगे मुझे। और वो है, जो पहला पोकेमोन है वो है गोजीलियर, और जो सेकंड पोकेमोन है वो है वूलू, और जो थर्ड पोकेमोन है वो है ड्रेडनाओ। तो वैसे अगर आपको इसके ऊपर से एक अलग से वीडियो चाहिए इन पोकेमोनों के ऊपर से, तो ज़रूर बता देना कमेंट्स में। और हमें ट्रेलर के थोड़े और आगे दिखाई जाती है न्यू एवोल्यूशन, और शुरू शुरू में तो मुझे वो जो लाइट सी थी ना, वो मुझे कोई सेव पॉइंट लगा था, लेकिन यार मैं गलत था, क्योंकि वो आगे चलते हुए हमें फिर दिखाया जाता है एक गैराडोस, जो कि यार मुझे तो यही लगता है कि वो कोई न्यू एवोल्यूशन हो सकती है, क्योंकि जो हमारी पोकेगर्ल है इसमें उसके जो हाथ में तुमने देखा होगा वो मेगा ब्रेसलेट जैसे ही लग रहा था, और उसमें से लाइट भी निकल रही थी। और फिर जो हमारी पोकेगर्ल है वो अपने रैचू को एक जाइंट एवोल्यूशन से काफ़ी जाइंट कर देती है, जो कि यार मुझे तो ही, मैं तो इसे जाइंट एवोल्यूशन ही कहूँगा, जो कि यार फिर तुमने देखा होगा। फिर हमारी पोकेगर्ल एक जाइंट पोकेबॉल से पकड़ लेती है गैराडोस को, जो कि यार मुझे तो यही लगता है कि ये शायद कोई न्यू टेक्निक हो, जिससे कि जो हमारे बैटल्स हैं ना वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से दिख पाएँ। वैसे जैन पोकेमोनों के साथ खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यार हमारा एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा अच्छा होगा पोकेमोन के गेम्स में। और वैसे यार जो ये जैन एवोल्यूशन है ये शायद सभी पोकेमोनों को मिल सकती है, जैसे यार तुमने देखा ही होगा, जो कि यार हमने इसे केवल जो जिम्स है ना उनमें देखा था, जो कि यार हम जिम्स में शायद जैन पोकेमोन ही यूज़ कर पाएँ, क्योंकि देखो यार जब तुमने देखा था तो वो जो हमारी पोकेगर्ल है वो जब उस लाइट के पास गई थी जो वो सेव पॉइंट जैसा था, तो वहाँ से वो टेलीपोर्ट हो गई थी, और वो गई थी एक जेंट गार्डोस के पास। तो जब उसने उस जेंट गार्डोस को पकड़ा था, तो शायद ये भी हो सकता है कि हम जेंट पोकेमोनों को पकड़ते हों, क्योंकि यार देखो शायद जेंट पोकेमोन किसी जिम में ही यूज होते हों, तुमने देखा होगा। तो जिम्स जो थी ना उसमें वो जिम्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, मतलब मैदान काफ़ी बड़ा था। और हाँ यार शायद ये भी हो सकता है कि जो हमारे पोकेमोन होंगे वो नॉर्मली बैटल भी कर सकते हों। वैसे यार कोई नॉर्मल छोटा पोकेमोन से जैन पोकेमोन के साथ बैटल तो बिल्कुल नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता वैसे ये हो पाता हो, लेकिन यार शायद ये जिम्स में ही होगा, क्योंकि यार हमने ट्रेलर में आगे भी देखा था कि जो हमारे वो पोकेमोन थी ना वो बिना जेंट इवॉल्व हुए भी बैटल कर रहे थे। तो यार इसमें यार काफ़ी कन्फ्यूजन है, जो कि यार मुझे तो यही लगता है कि ये शायद जिम्स में ही हम जेंट इवॉल्व कर पाएँ। और वैसे यार मुझे इसका नेम पता नहीं है कि जेंट इवॉल्व है, एवोल्यूशन है या कुछ और, जो कि यार अब हमें इससे आगे दिखाई जाती है जो कि जिम थी, उसमें यार हमें काफ़ी सारे जेंट एवोल्यूशन दिखाए गए थे, जो कि यार सभी पोकेमोनों के पास जेंट एवोल्यूशन होगा, जैसे कि मेगा एवोल्यूशन थी ना कम पोकेमोनों के पास थी, और यार हम सोच रहे थे कि इसका भी मेगा एवोल्यूशन होना चाहिए था, ऐसा आपकी बार बिल्कुल नहीं होने वाला, आपकी बार सबके पास जेंट एवोल्यूशन होगी। और हाँ यार जैसे कि तुम्हें पता होगा हमें आगे दिखाए जाते हैं हमारे लेजेंडरी पोकेमोन, जो कि यार देखने से तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कूल लगे। और हाँ यार वो तुमने देखा होगा कि एक स्वॉर्ड वाला था और एक शील्ड वाला, जो कि यार इनको देख कर तो यार मुझे यही लगा कि ये लाइकन रोग जैसे लग रहे थे मुझे। तो यार एक स्वॉर्ड वाला है, एक शील्ड वाला, और जो स्वॉर्ड वाला पोकेमोन था वो था जेमिकियन, और जो शील्ड वाला पोकेमोन था वो था जेमिजेंटा, जो कि यार इनके नाम तो काफ़ी अजीब हैं, लेकिन यार ये देखने से तो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहे हैं। और वैसे यार ये लाइकन रॉक की तरह भी लग रहे हैं, जैसे कि लाइकन रॉक ने यार एक ने शील्ड पहन ली हो और एक ने स्वॉर्ड, और फिर आगे जो होता है ना यार वो बहुत ही ज़्यादा औसम था, जो कि यार ये पोकेमोन भी किसी से डर रहे थे, मतलब कि यार ये दोनों आर्मर एवोल्यूशन जैसा कुछ एकदम से यार कुछ कर लेते हैं, जो कि यार देखने से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा उत्सम लगा, क्योंकि यार ये किसी से डरते हुए होते हैं और उस टाइम पर ये अपनी जो फॉर्म होती है ना उसमें लाइटनिंग ला देते हैं। तो शायद आर्मर एवोल्यूशन इन दोनों पोकेमोनों के पास हो, या फिर ये भी जो ब्लैक क्यूरेम और वाइट क्यूरेम थे उनके जैसे ही हों, क्योंकि यार वो भी अपनी जो टेल थी उसमें वो पता नहीं यार लाइटनिंग कर ले रहे थे, तो शायद ये भी इसी तरीके से कर सकते हैं, या ये भी एक आर्मर एवोल्यूशन हो सकती है। और हाँ यार
वो शायद ये दोनों ट्रियो ना होकर ये डुओ भी हो सकते हैं, या ट्रियो भी, क्योंकि यार तुम्हें ट्रियो डुओ का मतलब तो पता ही होगा। जैसे कि यार अपने ट्रियो टाइटन हो गए, जिसकी टाइटन हो गए लेजेंडरी टाइटन और लेजेंडरी बर्ड्स, ये इस तरीके से ट्रियो, और डुओ जैसे कि म्यू म्यू टू, तो इसी तरीके से यार ये ट्रियो भी हो सकते हैं, जो कि ये किसी एक पोकेमोन से डर रहे थे। तो शायद यार वो कोई न्यू लेजेंडरी पोकेमोन होगा जो कि हमें दिखाया नहीं गया था, और शायद वो कोई न्यू लेजेंडरी पोकेमोन होगा जो कि शायद यार काफ़ी ईविल हो या बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। तो मुझे तो यार यही लगता है। और हाँ यार, ट्रेलर का जो ब्रेकडाउन सही है ये आपको कैसे लगा ज़रूर बता देना कमेंट्स में। तो यार आज वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।